ओके सो प्रेजेंटली आई एम इन काशी और मैं खुद खड़ा हूँ मणिगर्णी का घाट पे। मैं जैसे बोल रहा था कि मैं काशी पे आके व्लॉग करूंगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे मेरे को व्लॉग करने का थोड़ा सा भी मौका नहीं मिला। सही में इतना बिजी था क्योंकि बहुत कुछ करना था और बस दो दिन का ट्रिप था मेरा। पहली बात देखो, प्रोज में बाद में बताता हूँ। वी ऑल नो अबाउट काल भैरव, वी ऑल नो अबाउट मणिगर्णी का घाट। मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पे, लेकिन फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। पहला चीज जो मेरे को लगा कि बहुत कंजेस्टेड है, लाइक द सिटी ऑफ काशी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन ओपिनियन, वो थोड़ा इनकन्वीनियंट सा हो जाता है। सेकेंडली द बेस्ट थिंग जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, दैट इज द स्ट्रीट फूड ऑफ काशी। Yes, trust me, the street food of Kashi is so amazing. तुम randomly जाओ कोई भी, like any, you pick up any item in the street and it is fine. Like मैं कचोरी से लेके वड़ा पाव से लेके everything is so fantastic. फिर मैं खुद मणिकर्णिका घाट पे बैठ के जब किया मणिकर्णिका घाट पे, और विच इज I can't express it in words। और सावन होने के वजह से विश्वनाथ के मंदिर पे 3 घंटे लग गए लाइन पे। मैं कल शाम को एक बार काल भैरव के मंदिर में गया था, वहाँ बहुत एक्सपीरियंसेस आर वेरी फाइन। वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, लेकिन द ऑरा ऑफ काल भैरव इज सो एमिनेंट, सो उसका प्रेजेंस तुमको वहाँ पे जाके फील होगा। वो कहते हैं ना, हीरे की परत जौहरी कोई होती है। एग्जैक्टली उसी तरह, क्योंकि जब तुम किसी डेटी को पूछते हो तो उनके एनर्जीज तुम्हारे बॉडी के साथ रेजोनेट करते हैं, अलाइन होते हैं। जैसे कि तुम अगर श्री राम को पूजना स्टार्ट करो या फिर हनुमान जी को पूजना स्टार्ट करो तो ऑटोमेटिकली यू विल ड्रॉन टुवर्ड्स श्री राम। वैसे ही अगर तुम भैरव को पूजा करना स्टार्ट करो तो यू विल ऑटोमेटिकली बी ड्रॉन टुवर्ड्स माँ काली, इफ़ यू लाइक यू गॉट दैट। ओके, तो जब तक तुम उस एनर्जी को, लाइक मैंने अभी तक विष्णु पूजा नहीं किया, मेरे को पता नहीं, सो आई डोंट हैव द आइडिया ऑफ द विष्णु एनर्जी। सो काल भैरव एनर्जी के बारे में अगर तुमको पता होगा, अगर तुम उसको जानोगे, वो एक्सपीरियंस करोगे, तो वहाँ जाके तुम लोगों को पता चलेगा कि वो एनर्जी कैसा है। उसी दिन शाम को हम लोग गए थे, बहुत सारे यहाँ के बहुत फेमस मंदिर है, जो कोई काशी में आके साइट सीन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फेमस मंदिर है। जैसे कि एक दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे मैं गया था, दैट वाज वेरी फैंटास्टिक। एक मणि मंदिर था, मैं फोटोज दिखा दूंगा। कुछ मंदिर पे फोटो वगैरह खींचना अलाउड नहीं था, जैसे दुर्गा मंदिर पे नहीं था। हनुमान मंदिर था, वहाँ पे भी मैं गया था, वहाँ पे शायद से फोन लेना अलाउड नहीं था। उसके साथ मैंने तुलसी मानस मंदिर में भी गया था, अगर उसका फोटो लिया होगा तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, मेरे को उतना याद नहीं है। और इस सब के चलते हमारे स्क्रिप्चर्स में ये मेंशन है कि वन गायत्री जप इन मणिकर्णिका घाट इज इक्वल्स टू 10,000 महाजपास। ओके, सो मैं यहाँ पे आया, मैं भी खुद जप किया, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, बिकॉज ऑफ द लिबरेशन दैट अ पर्सन वॉन्ट्स इन हिज लाइफ। और काशी के टेम्परेचर 35-37 के अराउंड टेम्परेचर है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी 79%, तो हालत बहुत खराब हो रहा है यहाँ पे। सो एज वी ऑल नो कि काल भैरव इज नोन एज द कोटवाल ऑफ काशी, उसका प्रेजेंस तुमको यहाँ पे आके फील होगा। जो एनर्जी है उसका, जो एक मैं जो पहले बोल रहा था, जो एक ऑरा, वो तुमको यहाँ आके फील हो जाएगा। क्योंकि एक कर्ज दिया गया था, उसको कर्ज नहीं बोल सकते, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट एक्ट ऑफ ब्रह्म हत्या, जो काल भैरव ने हम लोगों को सिखाया था। इन आवर स्क्रिप्चर्स इट इज मेंशन, तो उसका एक्सप्लेनेशन तुमको इस वीडियो में मिल जाएगा, सो प्लीज चेक इट आउट। और एक चीज जो काशी में बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज द गंगा आरती, जो मैं कल, हम लोग यहाँ पे है, तुम लोग बोट्स बुक कर सकते हो और बोट से तुम लोग जा सकते हो, पूरा हर घाट तुमको विजिट कराएगा यहाँ पे। सो वहाँ पे शाम को गंगा महल घाट है, वहाँ पे गंगा आरती होता है, तो यू शुड विजिट दैट, दैट इज वेरी फैंटास्टिक।